हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडुकेटिव आज हम पढ़ने वाले हैं सेवेंथ क्लास के साइंस का चैप्टर फोर हीट हीट का मतलब होता है ऊष्मा बच्चों इससे पहले हम इस चैप्टर के कुछ पार्ट को अपने पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा तो वहाँ से आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिए क्योंकि तभी आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ पाएगा तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं तौरी तो तौरी। तौरी तौरी तौरी। बच्चों हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि ताप को यानी कि टेम्परेचर को मापने के लिए थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी इसी से रिलेटेड है मेजरिंग टेम्परेचर ताप मापन हैव यू सीन ए थर्मीटर क्या आपने कभी थर्मामीटर देखा है सबने देखा होगा क्योंकि जब हमारे कभी फीवर होता है तो डॉक्टर हमारा थर्मामीटर से ही बुखार चेक करते हैं फीवर चेक करते हैं या हम भी घर में ही थर्मामीटर से ही अपना बुखार चेक करते हैं रिकॉल दैट वेन यू और समन एल्स योर फैमिली हैड फीवर द टेम्परेचर वॉज मेजर्ड बाय ए थर्मामीटर तो याद कीजिए जब कभी आपको या आपकी फैमिली मेम्बर को किसी को फीवर हुआ हो तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है थर्मामीटर का ही उपयोग किया जाता है द थर्मामीटर दैट मेजर्स अवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड ए क्लिनिकल थर्मामीटर तो वह थर्मामीटर जो हमारे बॉडी के शरीर के ताप को बताता है वह कहलाता है क्लिनिकल थर्मोमीटर होल्ड द थर्मो इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली तो अपने हाथ में थर्मोमीटर को पकड़िए और इसको ध्यानपूर्वक इसका परीक्षण कीजिए इफ़ यू डो नॉट हैव ए थर्मोमीटर रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विद यू और अगर आपके पास थर्मोमीटर नहीं है तो अपने किसी मित्र से कहिए कि वो आपके साथ शेयर कर लें एक clinical थर्मामीटर लुक लाइक द वन शॉन in फिगर 4.2 पॉइंट टू और जो एक क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो कैसा दिखता है ये देखिए जो ये आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है इस तरह से ये दिखाई देता है अ क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब जो एक क्लिनिकल थर्मामीटर होता है यानी कि जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसमें एक लंबी पतली सी ग्लास की ट्यूब होती है इट हैज़ ए बल्ब एट वन एंड और इसके एक सिरे पर होता है एक छोटा सा बल्ब दिस बल्ब कंटेंस मरकरी और इस बल्ब में क्या होता है मरकरी यानी कि पारा होता है आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन और इस बल्ब के बाहर एक पतला सा धागा चमकता हुआ नजर आता है जो कि पारे का ही होता है इफ़ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड रोटेट द थर्मामीटर और बिट टिल यू सी इट और अगर आपको ये मरकरी का थ्रेड या धागा दिखाई ना दे तो थर्मामीटर को आप थोड़ा थोड़ा रोटेट कीजिए घुमाइए जब तक कि आपको वो थ्रेड दिखाई ना दे यू विल आल्सो फाइंड ए स्केल ऑन द थर्मामीटर और थर्मामीटर के ऊपर आपको एक स्केल भी दिखाई देगा द स्केल वी यूज इज द सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस और जो स्केल हम यूज करते हैं वो होता है सेल्सियस स्केल और इसको हम किससे दर्शाते हैं डिग्री सेल्सियस से बुझो वंडर विच ऑफ द टू स्केल्स शोन इन फिगर फोर पॉइंट टू वी शुड रीड पहली टोल्ड हिम दैट इंडिया हेज अडोप्ट सेल्सियस स्केल एंड वी शुड रीड दैट स्केल तो बूझो जो आपका फ्रेंड है उसको आश्चर्य हो रहा है कि जो पिक्चर है फिगर फोर पॉइंट टू उसमें तो दो स्केल दिखाई दे रहे हैं तो हमें कौन से स्केल को पढ़ना है तो पहली बताती है कि जो हमारे भारत में तो सेल्सियस स्केल है उसको ही अपनाया गया है तो उसे ही हमें रीड करना है द अदर स्केल विद द रेंज नाइन्टी फोर टू वन जीरो एट डिग्री इज द फॉरन स्केल इट वॉज इन यूज़ अर्लियर और जो दूसरा स्केल है जिसकी रेंज 94 फोर से वन एट डिग्री तक है वो है फारेनहाइट स्केल जिसको कि पहले यूज किया जाता था अ क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस टू फोर्टी टू डिग्री सेल्सियस और जो ये डॉक्टरी थर्मामीटर होता है ये 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को माप सकता है अगला एक्टिविटी फोर पॉइंट टू रीडिंग अ थर्मामीटर। लेट इज लर्न हाउ टू रीड ए थर्मामीटर तो चलिए देखते हैं कि थर्मामीटर को कैसे पढ़ा जाता है फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन टू बिगर मार्क्स तो बच्चों सबसे पहले जो हमारे बड़े मार्क्स जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे उनके बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसको नोट करना है आल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन और जो बड़े मार्क्स के बीच में जितने डिविजन्स हैं उनको भी नोट करना है यानी कि छोटे छोटे मार्क्स दिखाए गए हैं उनको भी नोट करना है बिटवीन दीज मार्क्स सपोज द बिगर मार्क्स रीड वन डिग्री एंड देर आर फाइव डिविजन बिटवीन दैर तो मान लीजिए जो बड़ा मार्क्स है उसको एक डिग्री पढ़ते हैं और उसके बीच में पांच डिवीज़न बने हुए हैं छोट छोटे छोटे पार्ट्स डिवाइड हुए हैं दैन वन स्मॉल डिविजन कैन रीड वन बाई फाइव तो एक छोटी जो डिविज़न है बीच की छोटा जो पार्ट है उसको हम कैसे रीड करेंगे वन बाई फाइव यानी कि जीरो पॉइंट टू डिग्री सेल्सियस वॉच दर्मामीटर प्रिफरली विद एन एंटी सेप्टिक सोल्यूशन अब क्या करेंगी जो तो थर्मामीटर है हमारा उसको एक एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से धो लेंगे होल्ड इट फॉर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्स इसको बड़े ही टाइटली पकड़ेंगे और दो तीन बार इसको हाथ से झटकेंगे द जग्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी डाउन जब हम इसको झटकते हैं हाथ से तो ये जो पारे का जो लेवल है उसको ये नीचे ले आता है एंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस और आप ये ज़रूर सुनिश्चित कर लें कि जो तापमान है वो पैंतीस डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाए नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द thermometer under अंडर योर टंग अब क्या करना है जो थर्मामीटर का बल्ब है आगे वाला उसको अपने जीप के नीचे रखना है आफ्टर वन मिनट टेक द thermometer out आउट एंड नोट द रीडिंग और एक मिनट के बाद उस थर्मामीटर को अपने जीप के नीचे से बाहर निकालना है और उसकी रीडिंग नोट करनी है दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर और जो तापमान उस टेम्परेचर में आएगा वही आपका बॉडी टेम्परेचर होगा यानी कि आपके शरीर का ताप होगा द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेट विद इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस और जो टेम्परेचर है वो हमेशा डिग्री सेल्सियस में ही होना चाहिए वट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर तो आपने बॉडी के ताप के रूप में क्या रिकॉर्ड किया द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस जो एक नॉर्मल आदमी के बॉडी का टेम्परेचर होता है वो होता है थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस नोट देट दैट टेम्परेचर इज स्टेटेड विद इट्स यूनिट और ये हमेशा ध्यान रखिए कि जो टेम्परेचर है वो उसकी यूनिट यानी कि सेल्सियस में ही दर्शाया जाए पहले मेजर्ड हर बॉडी टेम्परेचर अब पहली ने भी अपनी बॉडी का टेम्परेचर मा, मापा है शी गोट वरीड एज इट वॉज नोट एग्जैक्टली थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस लेकिन वो इस बात से चिंतित है कि उसकी जो शरीर का तापमान है वो एग्जैक्टली थर्टी सेवन डिग्री नहीं आया लेटिस ट्राई टू एश्योर पहेलीट देयर इज़ नथिंग रोंग विद हर तो चलिए पहेली को इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि जो उसने टम्परेचर देखा है वो कोई गलत नहीं है या उसके बारे में उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है तो बच्चों पहेली को तो हो गई है बहुत ज़्यादा चिंता क्योंकि उसके बॉडी का टेम्परेचर एग्जैक्टली थर्टी सेवन नहीं है तो आप उसको कैसे इस चिंता से मुक्त करेंगे ये आप सोचिए तो इसको हम जानेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इतने आप पता लगाइए कि कैसे उसकी चिंता को दूर कर सकते हैं तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि क्या हमारे शरीर का टेम्परेचर हमारे बॉडी का टेम्परेचर एग्जैक्टली थर्टी सेवन ही होना चाहिए या थोड़ा बहुत अप डाउन भी हो सकता है तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो आइकन दिया होता है उसको प्रेस ज़रूर कर लीजिए अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगी और आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी और आप सभी चैप्टर को अच्छे से पढ़ पाएंगे और लास्ट में बस यही कहूँगी घर पर रहिए मगर पढ़ते जरूर रहिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो